दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबा कर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। राधिका आप्टे हाल ही में नेहा धूपिया के चैट शो में हिस्सा लेने पहुंची, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो एपिसोड इंटरनेट पर वायरल हो गया। राधिका ने चैट शो पर कथित तौर पर कहा कि एक बार तमिल फिल्म की शूटिंग करते समय उन्होंने सेट पर अपने साथी कलाकार को थप्पड़ मार दी थी। आप्टे ने बताया कि वो मेरा शूटिंग का पहला दिन था और उस दौरान वो मुझसे कुछ ज्यादा ही असहज हो रहा था। शुरुआत में मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मेरे पैर पर पैर रखकर बहुत ही अजीब हरकत की। हम इससे पहले कभी नहीं मिले थे और ना ही मैं उसको सही से जानती थी, तो मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। सोशल मीडिया पर आप्टे का ये हिस्सा काफी शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा नेहा धूपिया ने और भी कई मजेदार सवाल किए, जिनके जवाब आप पूरे एपिसोड में देख पाएंगे। इसके अलावा डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा पर एक सवाल पूछे जाने पर राधिका ने कहा कि रामगोपाल वर्मा को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे बॉलीवुड को काफी अद्भुत फिल्म में दी है। आपको बता दें कि राधिका आप्टे आखिर में फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। आने वाले दिनों में आप्टे सैफ अली खान के साथ बाजार फिल्म में नजर आने वाली है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा चैनल, और देखते रहिए और भी रोचक खबरें।